करनी सेना द्वारा रुपोली विधायक बीमा भारती का फूंका गया पुतला। पूर्णिया के आरन साव चौक पर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने रुपोली विधायक बीमा भारती का पुतला दहन किया। पुतला दहन में करनी सेना के दर्जनों कार्यकर्ता पहुंचे और विधायक बीमा भारती का पुतला दहन किया। वहीं करनी सेना के द्वारा बीमा भारती के विरोध में नारे भी लगाए गए। इस मौके पर पूर्णिया करनी सेना के आशीष राजपूत एवं अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि बीमा भारती ने अमर्यादित बयान का इस्तेमाल किया है, जिसे हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसके विरोध में हम लोगों के द्वारा उनका पुतला दहन किया गया है। उन्हें इस गलती के लिए माफी मांगनी होगी। आप भी देखिए इस खास रिपोर्ट में। जो बयानबाजी, गलत बयानबाजी जो हमारे रुपोली विधानसभा की विधायिका हैं बीमा भारती, इन्होंने जो जातिगत टिप्पणी की है, ये सरासर गलत है। ऐसी बयानबाजी उनको नहीं करनी चाहिए। किसी भी जाति और वर्ग विभेद को लेकर के हम महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, जो समाज में एक छाता को लेकर के चले हैं। समाज में छाता का काम करनी सेना करती है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना इसका घोर विरोध करती है। ऐसी गलत बयानबाजी बंद करें, जाति वर्ग विभेद में बांटने का काम बंद करें। ऐसा करेगी इसको घोर विरोध होगा। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना इसका तमाम विरोध करेगी। और हम लोग समाज का छाता हैं, समाज को लेके चलते हैं, और ऐसा जो इन्होंने बयानबाजी की है इसका हम लोग विरोध करते हैं। अवधेश कुमार सिंह, प्रमंडलीय अध्यक्ष, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना पूर्णिया। करना ये सरासर गलत बात है, और जिसने जातीय टिप्पणी की है उसमें क्या बोला जाए, निरक्षर महिला पे क्या बोला जाए। उसने हमारे संवेदना के साथ खिलवाड़ करने की काम की है। हमारे क्षत्रियों में जो भी है सैकड़ों उपजाति हैं, और सब एक झंडे के तले एक साथ करनी सेना सब एक जगह है। सैकड़ों हम सब में है कि महाराणा प्रताप हो, राजा छत्रसाल हो, या पृथ्वीराज चौहान हो, हम सबको मानने वाले हैं, सब हमारे पूजनीय हैं, हम सबको मानते हैं। यदि कोई भी नेता हमारे जातीयता के साथ खेलने का प्रयास किया गया तो उसके साथ आगे अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं पूर्णिया करनी सेना जिला अध्यक्ष आशीष राजपूत।